नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, खबर आ रही है फरखाबाद। बड़ी खबर फरखाबाद से, आईपीएस अधिकारी के नाम पर युवक से हुई लाखों रुपए की ठगी। जया पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर युवक से लाखों की ठगी की गई। खुद को दिल्ली पुलिस का आईपीएस अधिकारी बताकर नौकरी के नाम पर ठगी की गई। वर्दी की फोटो, आईडी कार्ड, पिस्टल की फोटो भेजकर युवक को ठग ने भरोसे में लिया। 1,33,000 रुपए लेने के बाद और रुपए मांगने पर युवक को हुई ठगी की जानकारी। कंपिल थाना क्षेत्र के ग्राम नगला खजुना निवासी युवक विवेक को दिल्ली पुलिस के सिपाही के पद का नियुक्ति पत्र भी जारी किया। साइबर ठग ने युवक को और रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी। ठगी का शिकार हुआ युवक ठग के खिलाफ कार्यवाही को पहुंचा एसपी के पास और लगाई न्याय की गुहार। फतेहगढ़ पुलिस लाइन स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय का पूरा मामला। फास्ट रिपोर्ट रघुवंश दुबे के साथ। कहाँ रहने वाले हो? खजन्ना। क्या घटना हुई जो आज एसपी का साहब आए हैं? एक फोन आ रहा है, एसपी फोन की बात कर रहा है। कहाँ का एसपी बता रहा है? वो दिल्ली का। फिर क्या किया उसने? वो नंबर दिया, वो नंबर आया, उसको फोन किया, उसने व्हाट्सएप नंबर दिया कि इस पर डॉक्यूमेंट डालो। काय के लिए डॉक्यूमेंट डाले? पुलिस के भर्ती के लिए। अच्छा, फिर आपने डाल दिए? डाल दिए, फिर पैसा डलवाया। कितना रुपये ले लिया अभी तक? 1,17,200। अभी भी फोन कर रहा है? अभी भी फोन कर रहा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है पैसा डालो और अकाउंट खुलवाओ, नहीं तो घर से उठवा लेंगे, जान से मरवा देंगे। अच्छा, तो अभी तक आप कितना रुपये दे चुके? अभी तक 1,17,200। आप कितना और मांग रहा हो? अभी 33,000 और मांग रहा है। आपने पुलिस को फॉर्म डाला था क्या? डाला था। तो आप फोन कर रहा है वो? अभी फोन कर रहा है। क्या कह रहा है? भाई पैसे मांग रहा है। इधर कप्तान साहब को आपने प्रार्थना पत्र दिया है? जी दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ऑफिस जाएगा। ऑफिस जाएगा? अच्छा जी, कुछ नहीं कहा कि नंबर ट्रेस करें कुछ? मुझ से कुछ नहीं। कॉल अभी भी आ रही है? अभी भी आ रही है। क्या कह रहे हैं आप? अभी भी आ रही है, वही कह रहा है।